नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा गाइस यहां पे IRFC की। और दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने की शुरू की थी, आपसे कहा था कि जो पूरे हफ्ते का एक कहना चाहिए, जो भी न्यूज़ आती हैं या जो भी स्पेकुलेशन या जो भी क्वेरीज आती है मुझे IRFC के ऊपर, उन सबको दोस्तों मैं साथ मिला के हफ्ते में एक बार वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा वही मकसद है। तो मैं बता दूं, जो भी अगर न्यूज या जो क्वेश्चंस है IRFC के लेकर के, वो सारे आपके साथ दोस्तों मैं फिर डिस्कस करूंगा। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप आखिरी तक जुड़ सकते हैं, शायद आपके भी क्वेश्चन इसमें रहे। और जो भी स्पेकुलेशन या जो इनके हेड हैं, जो इनके हेड है दोस्तों, उन्होंने एक अपना कहना चाहिए कि इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी बात कही थी, उसको लेकर के काफी क्वेरी आई है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें एक बार फिर उसका रिपीट करके कुछ और क्लैरिफिकेशन आई है, उनसे बात करूंगा आपको। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आप IRFC के शेयर होल्डर हैं। और जो ये तेजी आई है दोस्तों IRFC में, क्या ये जारी रहेगी, क्या इन लेवल्स में हमें एंट्री करनी चाहिए IRFC में, इन सब में चर्चा होगी दोस्तों। लेकिन वीडियो का बनाने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे दुरुस्त शेयर कीजिए। और दोस्तों, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक दूसरे बॉक्स में जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। लगभग 200 फ्लैट सा क्लोजिंग दी है शेयर ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और अगर मैं बात करूं पिछले हफ्ते की, या अगर 5 दिनों की आप बात करें, तो आप पाएंगे कि एक निचले स्तरों से एक अच्छी खासी रिकवरी आई है शेयर में दोस्तों। देखिए, ठीक है, लगभग 1.77% की। तो मोर और लेस दोस्तों आप कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते भी एक फ्लैट सा ही कारोबार रहा है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ क्या क्वेश्चंस हैं और क्या क्वेरीज हैं। देखिए, सबसे पहली बात करता हूँ एलिफेंट इन द रूम, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो इनके हेड हैं अभी, उन्होंने क्या आंसर है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि जो IRFC वो अपना जो बिजनेस है, वो डाइवर्सिफाई करने वाला है, ठीक है। यानी क्या डाइवर्सिफाई करने वाला है, वो जो देता है दोस्तों, जो लोन देता है कह लीजिए, या ये जो रेलवेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम आती हैं चीज़ें, उसमें जो इन्वेस्टमेंट करता है ये, तो उसकी बजाय ये और भी कोई चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली भी रेलवे से जुड़ी होंगी। ये वर्ड याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने जो कहा था ना कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम पैसे किसी और को, एक प्राइवेट लेंडर्स को देने शुरू होंगे, नहीं। इनका कहना ये था कि ऐसे काम जो इनडायरेक्टली रेलवे से जुड़े हो, जो अभी क्या दोस्तों, जो फंड करती है ना ये सरकार जो है, वो डायरेक्ट रेलवे फंड्स करती है, डायरेक्ट जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें फंड्स करती है। लेकिन अब इनका ये कहना है कि जो इनडायरेक्ट प्रोजेक्ट है, यानी आप मोर और लेस मान लीजिए, जैसे कोई बहुत बड़ा एक कहना चाहिए आप लोगों की, कोई बहुत बड़ी मशीन लगानी है जो, या वेंटिलेटर लगाने से है, वेंटिलेटर इन द सेंस दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में देती हो, साथ देती हो, लेकिन वो डायरेक्टली ना हो। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट नहीं है, या कोई कॉरिडोर बनाना है उसमें नहीं, कोई स्टेशन कोई डेवलपमेंट करना हो, या कह सकते कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना हो रेलवे के अंदर, तो इन सब को लेकर के भी कहना चाहिए जो इनडायरेक्ट वे है उसे दोस्तों लैंड करेगी। अभी आपको पता होगा IRFC का जो मेन बिजनेस है वो दोस्तों रोलिंग स्टॉक्स देना है, कुछ जाना चाहिए जो किराए में देते हैं दोस्तों, 3 साल 30 साल के लिए, 25 साल के लिए कुछ बड़े बड़े इक्विपमेंट्स देती है किराए पे, प्लस इनके फंड्स रेज करती है दोस्तों IRFC रेल्वेज के लिए, टू मिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेलवेज। तो उसमें नहीं दोस्तों, इनडायरेक्ट वेज में भी करेगी। तो कईयों को ये लगा दोस्तों कि कोई अलग से अब लैंडिंग शुरू करने वाली है ये कंपनी IRFC, कि प्राइवेट प्लेयर को भी या बाहर के लोगों को भी लैंड देगी, तो ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। तो कोई बहुत बड़ा चेंज इनके बिजनेस मॉडल में नहीं आएगा दोस्तों, मैं बता दूं, ठीक है। प्लस अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब कहना ये है कि क्या जो अब फिर से ऊपर की स्तरों पर भागने वाला है IRFC, ये सबसे कॉमन सवाल हमेशा रहता है। तो दोस्तों, एक बड़ा आंसर है नो। अभी कोई भी तेजी या कोई भी ट्रिगर पॉइंट इस शेयर में नहीं लग रहा। हाँ, थोड़ी बहुत तेजी लोग ला सकते हैं दोस्तों, कईयों को लग सकता है कि ये शायद डिविडेंड दे, ठीक है, डिविडेंड देने के चक्कर दोस्तों, क्योंकि अब आपको पता होगा जनवरी है और ये पूरा आने वाले 1 से 2 महीना पूरा का पूरा रिजल्ट सेशन होता है, और इसीलिए अब आप सोच सकते हैं कि कई बार कहना चाहिए कि कई जो लोग हैं उनको अब ये लग, इसलिए निवेश करना शुरू कर देते हैं कि भाई डिविडेंड मिलेगा इसलिए निवेश कर लो। तो मैं बता दूं, इस बार शायद मुझे लगता है दोस्तों डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार ही कंपनी ने डिविडेंड दिया है। और आपको याद होगा पिछले साल जब डिविडेंड देने की बात हुई तो कंपनी ने मना कर दिया था कि भाई हमने ऑलरेडी दे चुका है, इंटरिम डिविडेंड हम नहीं देंगे, ठीक है। तो इस साल मुझे नहीं लगता है कोई डिविडेंड आएगा, इसीलिए कोई बड़ी रैली मैं नहीं सोच सकता। और प्लस जब तक दोस्तों, मैंने आपसे कहा है ना ₹26, ये तो दोस्तों जब तक ये अपने ये IPO प्राइस है इसका,
जब तक ये अपने आईपीओ प्राइस को तोड़ करके कॉलेज बस में नहीं जाता, और जो इसका सबसे बड़ा हर्डल ₹30, ये क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ देते दोस्तों, कोई भी तेजी, कोई भी एक अनप्रेसिडेंटेड रैली मुझे बिल्कुल भी इस शेयर में दिखाई नहीं देती दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं कि क्या आईआरएफसी में कोई तेजी बन सकती है, मतलब माफ कीजिएगा, आईआरएफसी का कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट में कोई इनके पास आ रहा है ऐसा काम, या कोई बहुत बड़ा फंड रेज करने वाले हैं, या क्या चल रहा है इंटरनेट? तो दोस्तों देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी फंड रेजिंग, ठीक है, फंड रेजिंग या गवर्नमेंट जो अपना स्टेक सेल है, गवर्नमेंट स्टेक सेल है, उसको लेकर के करंटली कोई न्यूज नहीं दोस्तों। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब तक गवर्नमेंट अपना स्टेक 86% से घटा करके 75% नहीं करती, कोई भी एक तेजी या भयंकर तेजी कुछ नहीं वाली है होने वाली। अब जो आखिरी न्यूज है जो कई बार आ रहा है कि क्या रेलवे की तरफ से जो अभी आने वाला रेलवे फाइनेंस मिनिस्ट्री जो अपना बजट पेश करने वाली है, क्या उससे कोई आईआरएफसी कोई बहुत बड़ा बूस्ट या कोई बहुत बड़ी तेजी आने वाली है? दोस्तों ये भी कोई भी तेजी नहीं आने वाली है, क्योंकि आईआरएफसी को लेकर के कोई भी ऐसी चीजें है नहीं इनडायरेक्ट वे में। हाँ, रेलवे प्रोजेक्ट अगर कोई बहुत बड़े बड़े सैंक्शन होते हैं, जो कि हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों मुझे पर्सनली कोई भी इसमें रैली नहीं दिखती है। क्योंकि आप मुझे बताइए, आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ इसमें, इधर देखिए, आपको याद होगी दैट आईआरएफसी पोस्ट 51% जंप इन नेट प्रॉफिट एट ₹1,501 करोड़, ठीक है, इन Q2 फाइनेंशियल 22। जब इसके बाद भी कोई तेजी आपको याद होगा, कोई भी तेजी नहीं आई दोस्तों। ठीक है, शेयर जहां था वहीं का वहीं है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, ऐसा तो कोई चीज हो नहीं है कि जिसके कारण इसमें कोई बहुत बड़ी रैली या कोई भयंकर तेजी है। इसीलिए मोर और लेस मैं आप फिर से कहूंगा, कोई भी ऐसी तेजी, कोई भी ऐसी गिरावट कुछ नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, बाजार अगर गिरता है दोस्तों, कोई ऐसी बड़ी गिरावट आती है, तो मैं बता दूं, मैं फिर कहूंगा कि जो रुपीज है 20.50 से लेकर के 20.65, ये एक बहुत अच्छी रेंज है इस शेयर में नई एंट्री करने के लिए। ठीक है दोस्तों, एक बड़ी एंट्री करने के लिए। और मैं खुद बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली खुद की पर्सनल होल्डिंग इस शेयर में हो सकती है। तो आपको अगर थोड़ा सा भी वेट करना है दोस्तों नई पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है, और कोई भी ऐसी न्यूज, कोई भी अफवाह प्लीज बच जाइएगा, कोई भी बड़ी न्यूज शेयर में नहीं आई है। जो एक आई थी बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। दोस्तों वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हैं, मेरे को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक जुड़े रहने धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।